लड़का स्टील पाइप पर चल रहा था, लेकिन अचानक स्टील का पाइप टूट गया। लड़के ने तुरंत पास की रेलिंग पकड़ ली, उसके नीचे एक बड़ी खाई थी। लड़के ने ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। उसी वक्त लड़के के साथी को अचानक कुछ नजर आया, एक पंख वाला राक्षस प्रकट हुआ। वह सावधानी से लड़के के पास पहुंचा, लड़का भी कमजोर होने लगा, लेकिन तभी स्टील पाइप फिर टूट गया। आखिरकार लड़का संभल नहीं सका और गिर गया, लेकिन उसने राक्षस की पूंछ पकड़ ली। राक्षस ने हताशापूर्वक अपने पंख फड़फड़ाए, उसने ऊपर चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन राक्षस उसका वजन बिल्कुल सहन नहीं कर सका। आखिर में वो दोनों एक साथ गिर गए, लेकिन जैसे ही लड़का जमीन को छूने वाला था, राक्षस अप्रत्याशित रूप से ऊपर उड़ गया। लड़का आश्चर्य से भर गया, राक्षस ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और लड़के को ऊपर की ओर ले गया। अंत में अपने साथियों के हौसला बढ़ाने के बीच राक्षस लड़के को ऊपर लाने में कामयाब रहा। लड़के और उसके साथी ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया, साथ मिलकर उन्होंने राक्षस को धन्यवाद